तो फ्रेंड्स अभी बच गए सुबह के 3 और बाहर जो हो रही है बहुत तेज़ बारिश, उससे मेरी नींद और खुल गई। तो कल तो बारिश हुई नहीं, कल मौसम अच्छा था, लेकिन आज जो है वो रात को बारिश हो रही है सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स अभी जो बारिश की स्पीड है वो और तेज़ हो गई, आप सुन पा रहे होंगे बारिश की आवाज़ जो, अब इसमें तो कौन सो पाएगा। स्वागत है आपका मेरे YouTube व्लॉग पे। तो आज ही बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि रात को बारिश हुई है। कुछ मुझे ऑर्डर आए थे तो अभी उसकी पैकिंग करते हैं और फिर मैं कुछ हेयर कट करा के आऊँगा, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, तो कुछ ऑर्डर आए मुझे, तो उनमें से एक ऑर्डर आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैं आज पैकिंग करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। तो इसको निकाल लेते हैं आराम से क्योंकि टूटने का डर रहता है, हैंडीक्राफ्ट का आइटम है। तो ये है आदियोगी का, जो मिनी आदियोगी होता है जो कार के डैशबोर्ड पे लगता है, वो वाला आदियोगी है। अगर आपको भी ये मंगवाना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसको हम पैक करेंगे इस बबल शीट में ताकि ये डैमेज ना हो और सेफ रहे इसमें, और हिले डुले भी नहीं उस पैकेट के अंदर, तो इसको यहाँ पर रख के पूरा पैक करके भेजेंगे। तो फाइनली आइटम तो पैक हो गया, अब डिलीवरी बॉय का इंतजार है। तो भैया आ गए हैं डिलीवरी वाले इसको पिकअप करने के लिए। तो चला गया फ्रेंड्स, अब बारी है दूसरे ऑर्डर्स की। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा इसका मुझे ऑर्डर आया था, और कुछ और ऑर्डर मुझे आ गए हैं, तो ये भी मैं पैक करूँगा। तो इसका हमने अच्छे से पैक कर दिया, हिल डुल नहीं रहा है और चारों तरफ से पैक है सेफ। तो अभी मैं आया हुआ हूँ ऑफिस, और इस प्रिंटर को आज मैं ऑन करूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस प्रिंटर को मैं यूज़ नहीं कराया, तो कुछ ख़राबी भी हो सकती तो पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से खुलेगा शायद, और दोनों तरफ से खुलेगा, भी बहुत ज़्यादा टाइट पैक है, तो आपको खोल के मैं दिखाता हूँ। इधर से और उस जगह से दोनों तरफ से पैक है, ये ऊपर से खुलेगा, ये जो है पेपर हमें निकालना पड़ेगा बाहर। तो मैं खोल दिया इसको, और इसके अंदर जो कार्टेज का जो है कार्डबोर्ड है इसको निकालना पड़ेगा, ये तो टेस्टिंग पेपर है इसका। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब भी इसको ऑन करेंगे तो प्रिंटिंग हेड है जो इधर उधर रिमूव करेगा, तो इससे ये टूट भी सकता है। तो इसको निकाल देते हैं सेफली, और अब इसकी जो पिन है उसको डाल के चेक करेंगे, तो कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है अंदर से। फ्रेंड्स ये है जो इसका कार्टेज है जहाँ से ये प्रिंट करेगा, इंक लगी हुई है इसके ऊपर, इसके अंदर एक रिबिन है उससे ये प्रिंट होगा, ये कार्टेज मूव करेगा और उससे ये प्रिंट होगा। तो इसको भी सेफली हम निकाल लेते हैं बाहर, और फ्रेंड्स इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रिबन निकला है, अगर कोई इंक खत्म हो जाए तो ये रिबन भी हम इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर लगा के देखते हैं कार्टेज जो यहाँ पे लगेगा ऐसे, अभी तो आइडिया नहीं क्योंकि नया प्रिंटर ही है, कभी यूज़ नहीं किया मैंने। तो हेड तो मैंने लगा दिया ये इंक वाला, और यहाँ से जो इसको टाइट कर सकते हैं अपन रिबिन को, तो अब ये पता नहीं लग नहीं रहा शायद इसको हटाना होगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं, अभी भी बंद नहीं हो रहा है, इसको हटा ही देते हैं, ऐसा करते हैं। देखिए अभी भी ये टच हो रहा है, मुझे पता नहीं कि कैसे लगेगा ये, इससे अच्छा इसको बाहर ही रख लेते हैं। तो ये इसका USB पिन है फ्रेंड्स, इसको अटैच करते हैं और देखते हैं ये चालू होता है नहीं होता है। जो इसकी पावर वाली पिन है वो यहाँ पर लगेगी, और जो मैंने अटैच कर दिया अब इसको ऑन करके देखते हैं, और ये वाली पिन है जो CPU के अंदर लगेगी, तो इसको ऑन करके देखते हैं पहले। तो अपना प्रिंटर जो है ऑन हो चुका है, बस इसको कनेक्ट करना बाकी है अपने कंप्यूटर से। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, काम फाइनल चल। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर पेज भी लगा दिया है, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है मुझसे कंप्यूटर के अंदर, तो हाल फिलहाल के लिए इसको ऐसे छोड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स।